वैसे भी हमारी शादी होने वाली है, इस बार मना नहीं कर सकती। आज से ठीक एक महीने बाद ये शादी होगी, डेट होगी 5 जून। जानते हैं 5 जून क्यों? इनफैक्ट मैं और गुरुजी मंदिर में थे तो हमने एक पुजारी से डेट के बारे में बात भी की थी। उसने कहा था कि ये डेट बेस्ट रहेगी, माइंड ब्लोइंग। सॉरी, थैंक यू हरी। अरे अगर प्योर मेरी शादी हो रही है तो तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने मुझे प्यार का रास्ता दिखाया। जो काम मुझसे कोई नहीं करवा पाया वो तो तुमने कर दिखाया। थैंक यू मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए। दादू तैयारियां, व्हाट आर यू डूइंग मैन? नहीं नहीं, अब हम चुप नहीं रह सकते। रुद्र मेहमानों की लिस्ट बनाने लगा है, अब हमें उसे रोकना ही होगा। समझ में नहीं आता कि इतना सब कुछ कैसे समझाएंगे हम उसे। माँ जी, मेरी मानिए तो प्लीज, अब चुप रहने से कोई फायदा नहीं। अब मेरी मानिए तो प्लीज, उसे सब कुछ सच सच बता दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि हालत और बिगड़ जाए। रुद्र से कोई कुछ नहीं कहेगा, फिलहाल उसकी ऐसी हालत नहीं है कि वो ये सब बर्दाश्त कर पाए। अगर उसका मन करता है शादी की तैयारियां करने के लिए तो इसमें भी हम उसका साथ देंगे। पर अगर शादी के दिन में मुझसे शादी करना चाहे तब क्या करूं? इसके बारे में सोचा है तुमने? अरे आप लोगों ने समझ के क्या रखा है मुझे? मैं कोई नाटक में काम करने वाली कलाकार हूँ क्या? आप लोगों ने मुझे खरीद लिया। पीहू, मेरी बात पर भरोसा रखो, देखो सब ठीक हो जाएगा। रुद्र बहुत जल्दी सब कुछ याद करेगा। इस मेरे लिए, भगवान के खातिर, इस बच्चे के लिए पीहू, मुझ पर एहसान कर दो पीहू। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगी, प्लीज। ये देखो, तुम्हारे नाम के आगे तुम्हारे पति के नाम का ब्लैंक छोड़ा मैंने। क्या नाम है तुम्हारे पति का? शंकर जी। शंकर जी तुम्हारे पति का नाम? वैसे शंकर जी के तो बहुत सारे नाम है, इसलिए मैं तुम्हारे पति का खुद ही नाम रख लेता हूँ, जटाधारी। एक काम करते हैं, जब तुम्हारे पति वापस आएंगे ना तो मैं उन्हें जटाधारी बुलाऊंगा और तुम भी उनको जटाधारी बुलाना। ओके, मेरा एक काम करो, शिव के पास जाओ और उसे बोलो कि शादी के लिए हाँ करने के लिए जो उसने शर्त रखी थी वो मैं बहुत जल्दी पूरी करूंगा। मासी प्लीज, आप फिर से शुरू मत हो जाए, मुझे आपकी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं है। पियो, मैं तो तुझे सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, फैसला तो तेरा है बेटा। मैंने कई लोगों को देखा, पहले रिश्ते हाथ से छोड़ देते और बाद में पछताते। पहला प्यार वो बीज की तरह होता है जो धरती में गड़ जाता है, दो बूंद बरसते फिर से खिल उठता है। आज वो गौरी को भूलकर तुझे चाहता है। अरे ये भगवान की मर्जी है, उसके इशारे को समझ। वो चाहता है कि तुम दोनों फिर से एक हो। पहला प्यार पहला होता है। पुत्र का सच्चा प्यार सिर्फ और सिर्फ गौरी और कोई नहीं। और अगर मैं ये कहूँ कि रुद्र का सच्चा प्यार तू है तो विश्वास करोगे मेरी बात का? बोल बोलना, अगर मैंने साबित कर दिया तो चुप क्यों? कम से कम ये तो मानोगे ना कि तुम्हारे और रुद्र के बीच कुछ तो नाता है। पीहू, रुद्र ने तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा है। उसने कहा है कि शादी के लिए हाँ करने के लिए जो तुमने उसके सामने शर्त रखी थी वो शर्त उसे याद है और आज वो शर्त निभाने वाला है। सच में उसने ऐसा कहा? अभी अभी उसने मुझसे ये कहा कि मैं तुमको आकर ये बात बता दूं।